स्वागत है दोस्तों आप सभी का सेवेस्टॉप यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हम लैम्स थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अ रोलर ऑफ वेट 1500 न्यूटन ऑफ डायमीटर 900 mm इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ स्टेप ऑफ 150 mm हाइट। सो यहाँ पर हमें एक रोलर दिया हुआ है जिसका वेट है 1500 न्यूटन एंड जिसकी डायमीटर है 900 mm, इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ स्टेप ऑफ 150 mm हाइट। तो यहाँ पर हमें एक स्टेप दिया हुआ है, आप इसे ऑब्स्टेकल भी कंसिडर कर सकते हो, जिसकी हाइट हमें 150 mm गिवन है। द रोलर इज टेकन अप द स्टेप बाय अप्लाइंग अ फोर्स पी एक्टिंग 25 डिग्री इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा रोलर है ये इस वाली स्टेप को क्रॉस कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ दिस फोर्स पी। ओके, सो मतलब ये जो फोर्स है पी, इसकी वजह से ये रोलर इस वाली स्टेप को क्रॉस कर रहा है। जो एन पी फोर्स का जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ वो है 25 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स पी देन रिएक्शन ऑफ द रोलर ऑन स्टेप। तो यहाँ पर हमें इस वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। एंड सिमिलरली इस स्टेप में से जो रिएक्शन फॉर्म होने वाली है इस वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में से, वो रिएक्शन भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ना अभी देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होती है, तो वो कंसेप्ट जो हमें गिवन फोर्स है पी उसके ऊपर डिपेंड होती है कि गिवन फोर्स पी का इंक्लिनेशन क्या है, उस पर वो कंसेप्ट डिपेंड होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पी फोर्स है वो सबसे पहली बात तो सेंटर में से, ये जो रोलर है उसके सेंटर में से पास हो रहा है। ओके, तो अगर आपका रोलर, तो अगर आपका फोर्स पी, जिस फोर्स की वजह से आपका ये रोलर स्टेप अप से क्रॉस हो रहा है, वो अगर सेंटर में से पास हो रहा होगा, देन ये जो हमारे यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन द रोलर एंड द स्टेप, वहाँ से जो रिएक्शन फॉर्म होगी वो भी सेंटर में से ही पास होगी। ओके, क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? अगर आपका फोर्स पी जो आपको गिवन है वो अगर सेंटर ऑफ द रोलर में से अगर पास हो रहा होगा, देन इस वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से जो रिएक्शन निकलेगी वो भी आपकी इस वाले सेंटर में से पास होगी। ओके, तो वो रिएक्शन हम यहाँ पर दिखा देते हैं। सपोज करते हैं ये वाला पॉइंट ए है। ओके, सो यहाँ पर, तो यहाँ पर रिएक्शन एट पॉइंट ए हो गई। ओके, देन इस वाले रोलर का जो वेट है वो 1500 न्यूटन है, जो कि डाउनवर्ड होगा, वो भी हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये हो गया 1500 न्यूटन। ओके दोस्तों, नाउ अभी हमें पी फोर्स का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, बट हमें रिएक्शन एट पॉइंट ए का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पता नहीं है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर अभी मैं एक ट्रायंगल फॉर्म करूँगा। कंसीडर करते ये वाला पॉइंट ओ है हमारा एंड ये वाला पॉइंट बी है। ओके, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी यहाँ पर 90 डिग्री है, सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसमें ओ ए क्या है, हमारी रोलर की रेडियस है। सो हमें रेडियस गिवन है, सॉरी हमें डायमीटर गिवन है 900 mm, तो उसका रेडियस होगा 450 mm। सो ये वाला ट्रायंगल मैं यहाँ पर निकालता हूँ। नाउ ओ ए क्या है, हमारी रेडियस, सो रेडियस है हमारी 450 mm। ओके, नाउ ए बी हम फाइंड नहीं कर सकते, बट ओ बी के बारे में हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप की हाइट है 150 mm, सो यहाँ पर हमने इसे आगे बढ़ाया, सो हमारा सिमिलरली ये वाली जो लेंथ है वो भी हमारी 150 mm होगी। सो ये वाला जो लेंथ है हमारा, सो ये हो गया हमारा 150 mm। ओके, ये वाली हमारी 150 mm हो गई एंड ये टोटल लेंथ, मतलब ये टोटल लेंथ है हमारी रेडियस। सो रेडियस कितनी है हमारी, 450 mm। सो अगर हमें ओ बी फाइंड करना है तो हम सिंपली 450 mm में से भी 150 mm माइनस कर लेंगे। ओके, सो 450 माइनस 150 हमारे पास आंसर आ जाता है 300 mm। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए एंड ओ बी की लेंथ फाइंड कर लिया। एंड सिमिलरली इस वाले एंगल को मैं थीटा कंसिडर करता हूँ, सिमिलरली ये वाला भी एंगल आपका थीटा होगा। नाउ नोटिस कीजिए, थीटा एंगल का
अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस हमें पता है, सो अगर हम साइन रेशियो कंसिडर करेंगे तो हम इजीली थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट हाइपोटेनस है 450। सो साइन को यहाँ पर लेके जाता हूँ, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 300 बाय 450। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है 41.81 डिग्री। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें आरए का भी एंगल पता चल गया है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, फोर सिस्टम में हमें टोटल थ्री एंगल्स गिवन है जो कि अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जा रहे हैं, एंड वो तीनों फोर्सेस कोप्लेनर है, कॉन्करेंट एंड सिमिलरली नॉन कोलिनियर है। तो हम यहाँ पर लेमिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो सबसे पहले मैं इस वाले रोलर का फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लिया है। तो अभी देखिए आर ए तो रिएक्शन एट पॉइंट है ये वाली है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 41.81 डिग्री। देन ये वाला फोर्स पी है जिसका एंगल है 25 डिग्री, एंड ये वाला हमारा वेट है 1500 न्यूटन। तो सबसे पहले हम अभी एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा वो होगा 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री माइनस 41.81 डिग्री। ओके, तो ये वाला एंगल आएगा हमारा 113.19 डिग्री। देन ये वाला एंगल आएगा हमारा 90 प्लस 41.81 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आती है 131.81 डिग्री। एंड एट लास्ट इस वाले एंगल की वैल्यू आएगी 90 प्लस 25 डिग्री, सो 115 डिग्री। तो अभी हम लेमिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी लेमिस थ्योरम का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूँगा। सो फोर्स पी डिवाइडेड बाय अपोजिट एंगल 131.81 डिग्री, सो साइन ऑफ 131.81 डिग्री इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेट, सो 1500 न्यूटन डिवाइडेड, सॉरी न्यूटन नहीं आएगा, 113.19 डिग्री। सो साइन ऑफ इज इक्वल टू, एंड लास्ट फोर्स है रिएक्शन एट पॉइंट है, सो रिएक्शन एट पॉइंट है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 115 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाली दो इक्वेशन कंसीडर करेंगे एंड फोर्स पी का वैल्यू निकालेंगे। तो अभी देखिए साइन ऑफ 131.81 डिग्री से मैं 1500 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सो यहाँ पर बचेगा फोर्स पी वन हंड्रेड एंड थर्टीन पॉइंट नाइनटीन डिग्रीज। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स पी की वैल्यू आती है हमारे पास 1216.31 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें पी फोर्स की वैल्यू पता हो गई। नाउ अभी हम ये वाले दो इक्वेशन कंसिडर करके रिएक्शन एट पॉइंट ए की वैल्यू निकालेंगे। सो नाउ साइन ऑफ 115 से मैं 1500 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सो यहाँ पर हमारा आर ए बचेगा, सो 1500 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 115 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 113.19 डिग्रीज। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर ए की वैल्यू आती है 1478.95 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें फोर्स पी एंड रिएक्शन ऑफ रोलर ऑन स्टेप फाइंड करना था, तो वो हमने पी एंड आर ए का वैल्यू फाइंड कर लिया है। ओके, तो मेन कंसेप्ट जो थी इस प्रॉब्लम के अंदर दोस्तों वो थी ये जो रिएक्शन है एट पॉइंट ए जहाँ पर आपका रोलर एंड स्टेप कॉन्टेक्ट में है, वहाँ का रिएक्शन कहाँ से पास हो रहा है। तो अगर आपका फोर्स पी जो आपको गिवन है वो अगर सेंटर में से पास हो रहा है तो आपका आर ए ऑब्वियसली सेंटर में से ही पास होगा। इसके अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फोर्स पी है उसे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंसिडर करेंगे, मतलब यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो उस प्रॉब्लम में देखते हैं ये जो हमारी रिएक्शन होती है
वो कहाँ से पास होगी। ओके दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।